हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये अप्सिलॉन की तरफ से थर्ड परफ्यूम आता है, उसका नाम है मास्टर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी स्मेल के बारे में बात करेंगे, इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे, कौन कब इसे कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है, प्राइजेज और इन सब के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये सेट में आते हैं पूरी। अभी 100 ml की बॉटल इनकी लॉन्च नहीं हुई है। और मेन बात करते हैं इसकी स्मेल के बारे में, इसकी ओपनिंग के बारे में। इसकी ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं, देखो। जैसे ही इसको आप स्प्रे करोगे ना, जो इसकी ओपनिंग में नोट आपको मिलने वाले हैं वो हैं थोड़े से ब्लड ऑरेंज के नोट। और ब्लड ऑरेंज के नोट मतलब ये मत समझ लेना कि कोई खून के ब्लड के नोट आपको मिलने वाले हैं। लाल नारंगी किस्म का एक संतरा होता है, जैसे मैंडरिन ऑरेंज होता है वैसे ही ब्लड ऑरेंज होता है, तो उसके आपको नोट मिलेंगे ब्लड ऑरेंज के नोट। साथ साथ में आपको थोड़ा सा सिट्रसपन मिल जाता है ग्रेप फ्रूट का, और साथ साथ में इसमें आपको थोड़े से मिंटी नोट मिल जाते हैं ओपनिंग में। और बेसिकली इसकी ओपनिंग के बारे में बात करूं तो ये एक स्वीट फ्रेश और मिंटी काइंड ऑफ इसकी ओपनिंग है, प्यारी लगती है इसकी भी ओपनिंग। और जैसे ही ये मिड नोट में आता है तो मिड नोट में आती है थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मिड नोट में इसमें आते ही आपको थोड़े से स्वीट और स्पाइसी नोट मिल जाते हैं। जो स्वीट नोट आपको मिलेंगे वो है रोज़ के, बहुत अच्छे से इसमें रोज़ का ब्लेंड करा गया है, क्योंकि रोज़ बेस्ड परफ्यूम बहुत लोगों को नहीं पसंद आते, बट इसमें जो रोज़ का यूज़ करा गया बहुत हल्के वे में यूज़ करा गया और बहुत प्यारा लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है। और ड्राई डाउन में इसमें लेदर का भी यूज़ करा गया, वो भी ओवर पावरिंग नहीं है, उस पर भी आता हूँ मैं। मिड नोट पे आओगे आपको थोड़े से स्वीट नोट रोज़ के पता चलते हैं, बहुत हल्के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट जो मिड नोट में शाइन करते हैं इसके स्पाइसी नोट जो हैं सिनेमन के और हेज़लनट के आपको नोट मिल जाते हैं मिडल नोट में आके। ये मिडल नोट में आके ये थोड़ा सा स्वीट और थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। स्पाइसीनेस भी इसकी मिड नोट में आके थोड़ी प्यारी लगती है, जो सिनेमन और हेज़लनट के आपको नोट मिलते हैं। और जैसे ये ड्राई डाउन में जाता है, ड्राई डाउन में जाके आपको थोड़ा लेदर का पता चलेगा। और अच्छी बात ये है कि इसमें ज़्यादा लेदर, हैवी लेदर का यूज़ नहीं हुआ है, मतलब हैवी लेदर के नोट, क्योंकि लेदर बेस्ड परफ्यूम काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आते, तो इसके ड्राई डाउन में ही मिलता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये सिर्फ लेदर बेस्ड परफ्यूम है, बट आपको हिंट मिलेंगे ड्राई डाउन, आप जाओगे इसका ड्राई डाउन बेटर मिल जाता है बाकी अप्सिलॉन के परफ्यूम से, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। और जो ड्राई डाउन में आपको नोट मिलेंगे वो लेदर के, थोड़े से वुडी नोट मिलते हैं, थोड़े से एम्बरी नोट मिलेंगे, और पचोली का भी एसेंस मिलेगा, बट थोड़ा सा वुडी और लेदर ये ज़्यादा रहता है मतलब ड्राई डाउन में। और बेसिकली इसकी खासकर इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो ये एक फ्रेश मिंटी स्पाइसी और थोड़ा सा वुडी लेदरी काइंड ऑफ ये परफ्यूम है। बहुत अच्छी इसकी सेंट प्रोफाइल क्रिएट करी गई है और ये इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। मेन बात करेंगे इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। बात करूँ इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब इन चारों में से अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग है तो वो ये है। और ये जैसे ब्लैक कलर में भी आता है तो ये मतलब डिफाइन भी करता है कि थोड़ा सा डार्क और विंटर बेस्ड परफ्यूम है, और एक्चुअली में विंटर बेस्ड परफ्यूम है, तो इसलिए मतलब जितने भी विंटर बेस्ड परफ्यूम होते हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा ही होते हैं समर बेस्ड परफ्यूम के अकॉर्डिंग, और ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्ट कर जाता है, मतलब आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। जैसे दूसरे थोड़े से फीके थे परफॉर्मेंस में, पर स्मेल बहुत प्यारी थी, बट इसकी स्मेल भी प्यारी है और परफॉर्मेंस भी प्यारी है। बात करता हूँ इसके प्रोजेक्शन के बारे में, इसके आपको 8 से 10 स्प्रेज ही लगा लेते हो तो ये 1.5 घंटे प्रोजेक्शन इजीली आपको दे देगा कपड़ों और स्किन पे मिला के लगाते हो तो। और स्किन पे इसकी लास्टिंग के बारे में बात करूँ तो स्किन पे इसकी लास्टिंग भी बहुत प्यारी है। इसमें मेरे को स्किन पे 5.5 से 6 घंटा ये मेरे इजीली लास्ट कर जाता है, तो कोई भी शिकायत नहीं हुई मेरे को। और कपड़ों पे लास्टिंग के बारे में बात करूँ तो कपड़ों पे ये थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेच कर जाता है, कपड़ों पे 10-11 घंटे स्ट्रेच कर जाता है, जो कि मेरे को अपने आप में लगता है कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि लास्ट टाइम अप्सिलॉन के परफ्यूम थे जैसे शूटिंग स्टार और गोल्डन सैंड ही थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग का, और जैसे वाइल्ड बुक बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, बट इनमें से ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब चारों ये जो सेट आया उनमें से जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा वो मैं बोलूँगा मास्टर। बहुत ज़्यादा तो नहीं बीस मोड, बट मॉडरेट से थोड़ा अप है, तो शिकायत नहीं मिलेगी अगर आप विंटर में लगाते हो तो, और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो प्रोजेक्शन 1.5 घंटे का, स्किन पे लास्टिंग 5.5 से 6 घंटा, और कपड़ों पे 10 घंटा ये इजिली स्ट्रेच कर जाता है, और विंटर में तो अच्छा और अच्छा परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं किन किन लोगों को पसंद आएगा। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग स्टफ़ है, मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग तो नहीं, बट थोड़ा सा ये 3 लोग को नहीं पसंद आएगा, वो थोड़ी सी दूरी बना के रखे, मतलब 23 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं उससे ऊपर के लोग इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि जो इसकी स्मेल है प्रीमियम भी है
और लास्टिंग भी अच्छी मिल रही है, और बहुत ये चेंज होता है, इसका डीएनए चेंज होता है। ऐसा नहीं कि ओपनिंग आपको मिंटी मिली तो मिड नोट पे आपको कुछ वही नोट चलता रहेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। तीनों मतलब ओपनिंग, मिड नोट, ड्राई डाउन इसका अलग अलग है, और इसका ड्राई डाउन भी काफ़ी प्यारा मिलता है, जो थोड़ा सा लेदर और वुडी का टच मिलता है बहुत प्यारा लगता है इसमें। बट ये पहले बता दूं आपको मैं, ये लेदर बेस्ड परफ्यूम नहीं है, आपको हिंट्स मिलेंगे, और जो रोज़ के साथ स्पाइसीनेस और लेदर का जो ब्लेंड है इसमें, तो लगता है कि हाँ ये महंगी कैटेगरी का परफ्यूम है। और इसकी बात करूँ तो ये ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने 1200-1500 रुपये का कोई परफ्यूम लगाया, सस्ती चीज़ नहीं लगाई है ये, 1000 रुपये के नीचे तो ये आएगा परफ्यूम, बट आपको महंगी फील दिलाएगा। प्रोजेक्शन वाइज, लास्टिंग वाइज कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, और बट इसे वही थोड़े से टीन से, जो थोड़े से अपर मैच्योर लोग हैं वो ज़्यादा इसको इन्जॉय कर पाएंगे। 23 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं मैं उनको ये हाईली रिकमेंड करूँगा, आप इसके साथ जाइए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और इसको कब लगाना है तो आप इसको मतलब अभी भी ट्राई कर सकते हो, मॉनसून सीजन चल रहा है, आप इवनिंग में ट्राई कर सकते हो, बट ये एक विंटर बेस्ड परफ्यूम है, पूरी विंटर आप इसको लगाइए, सिग्नेचर सेंट प्रोफाइल बनाइए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि विंटर के लिए कोई परफ्यूम सजेस्ट कर दो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा ऑफिस में लगाइए, कैजुअली लगा सकते हो विंटर पे, और अभी भी मॉनसून में इवनिंग पे आप इसको कैरी कर सकते हो, बट विंटर के लिए एक बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। आप सिग्नेचर सेंट प्रोफाइल अपनी बना सकते हो, पूरे विंटर आप इसको यूज़ करिए, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। स्मेल वाइज, प्रोजेक्शन वाइज, लास्टिंग वाइज कोई भी इसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी आपको। और जो इनका मतलब लास्ट परफ्यूम है स्टार, उसका रिव्यू जब मैं करूँगा उसमें बता दूंगा इनमें से सबसे बेस्ट मेरा कौन था और कौन सा आपको पिक करना चाहिए। बट वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा इनका सेट ही ले लो अभी के लिए, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा क्या, क्योंकि इनकी जितनी भी रेंज है और मतलब जितने भी ये चार परफ्यूम हैं बहुत अलग अलग स्मेल करते हैं, तो कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना अगर आपको लेना है, इच्छा है कि मैं ट्राई करना, क्योंकि 100 ml ले लोगे बाद में आप मतलब रिग्रेट करोगे कि फुल बॉटल ले ली उसको, क्योंकि फुल बॉटल ले लेते हैं उसे ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ये चीज़ होती है। स्मेल वाइज इसको मेरे को रेट करना हो, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें इनकी साइट पे इनके प्राइस 900-850 के फ्लैश हुए थे, बट इन्होंने हटा दिया था, तभी मैंने बोला इन्होंने सेट लॉन्च कर दिया था। प्राइस के अकॉर्डिंग स्मेल को अगर मेरे को रेट करना हो 10 में से, इसको मैं 8.5 देना चाहूँगा। और इसकी प्रोजेक्शन और लास्टिंग वाइज बजट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, तो उसको मैं 9 दूंगा, क्योंकि ये लास्ट कर जाता है अच्छा खासा, बहुत बीस्ट मोड नहीं है बट फिर भी अच्छा खासा लास्ट कर जाता है। मैं ये हाईली रिकमेंड ये भी परफ्यूम करूँगा विंटर के लिए, अगर किसी को चाहिए अभी से लेके रख लो तो विंटर में आप इसको यूज़ कर लेना। तो इसकी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, जो लास्ट वीडियो आएगी इसकी स्टार की उसमें मैं क्लियर बता दूंगा कौन सा आपको पिक करना चाहिए। वैसे तो मैं रिकमेंड दोबारा करूंगा इनका सेट ही लो, तो आपको आइडिया ज़्यादा बेटर लगेगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।